आज ये मेरा पहली बार का सौभाग्य है कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किसी विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया। मैं लगभग मालवीय जी और मालवीय के विचारों को लेकर लगभग 30 वर्षों से वाहक हूँ। और अभी जैसा हमारे दो बहुत महत्वपूर्ण दीपक जी और बिजलानी जी ने बहुत अच्छा विषय रखा, आपका तो एकदम हार्ड कोल फिलासफी था जिसको कहते हैं दर्शन। और आपका दर्शन जो है, दर्शन कैसे बदलता है देश काल परिस्थितियों के हिसाब से, वैसा जो है दीपक जी ने एक बहुत अच्छा विचार रखा कि दर्शन जो है को प्रभावित करने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा उन्होंने बताया। जैसे उसमें स्वदेशी है, राजनीति है, भूगोल है, लेकिन हम जब दर्शन की बात करते हैं तो भारत का जो दर्शन है वो सनातन है। और सनातन दर्शन जो है वो वैदिक काल से है, हजारों कई हजार वर्ष पहले, दस हजार वर्ष पहले आयुर्वेद का ज्ञान विज्ञान जो भी है, हर ज्ञान और विज्ञान जो भारतीय विजडम है उसमें कहीं सब दर्शन है। और उस जो है, जो सनातन दर्शन है भारत का, उस दर्शन ने भारत इतनी विषम परिस्थितियों से गुजरा है, फिर भी वो आज जो है दुनिया को एक दिशा देने का काम कर रहा है। उसमें मैं लगभग 100-150 वर्ष की घटनाओं का थोड़ा वर्णन करूँगा कि कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ भारत के संदर्भ में। मुझे मदन मोहन मालवीय जी एक सनातन जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, और उनके जीवन में जो भी चीज़ें थी वो बहुत कठिनाई से पालन करते थे, कोई डाइल्यूशन नहीं था। जो भारतीय दर्शन पे जीने वाले व्यक्ति और उस समय की कालखंड और परिस्थितियों का अगर देखा जाए, भारत लगभग गुलाम रहा है, गुलामी के बाद पहले मुगलों का गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों का गुलाम रहा, और उस समय भी भारतीय दर्शन अपने समाज में बचा रहा। बहुत सारे प्रयास हुए, भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन और उसकी सोच, और भारत कितना वैभवशाली रहा दीपक जी ने बताया। तो देश जो है, जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, देश आज़ाद होने वाला था, तो मालवीय जी के या तो ये विजनरी थे या दूरदृष्टा थे, उनको ये आभास हो गया कि देश आज नहीं तो कल स्वतंत्र होगा, और देश के लिए क्या चुनौतियां होंगी, किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन सा एक कोई मॉडल देना चाहिए, कुछ ऐसा उनके मन में आया। और उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करने का एक संकल्प लिया। जैसा विश्वविद्यालयों के विषय में है कि वहाँ की सरकार उसको जब तक रिकॉग्नाइज न करे तब तक उसमें कोई पढ़ेगा नहीं, उसकी मान्यता नहीं, तो वो अपना सारा प्रपोजल लेकर अंग्रेजों के पास गए। तो अंग्रेजों के पास जो है जाने के बाद उन्होंने उसमें बहुत सारा जो चाहते थे वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ परिवर्तन करवाया कि आप अंग्रेजी की शिक्षा देंगे, अंग्रेजी में देंगे, बहुत सारा चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट किया जो नहीं चाहते हुए भी। मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना के विषय में जो उन्होंने उद्बोधन दिया है, आप लोग उसको निकाल के पढ़ सकते हैं। उस समय देश के क्या चैलेंजेस थे, हिंदू, मालवीय जी का एक दूसरा जो था कि हिंदुओं के प्रति उनका बहुत आग्रह था, क्योंकि उनका चिंतन और दर्शन में था कि भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र है, सार्वभौमिक दृष्टि से
वहाँ की मान्यताएं जो है सब भारत को उसी दर्शन उसी दृष्टि से देखते थे, और उनका फोकस था कि हिंदू जो है यहाँ का जो बहुमत वाला समाज है उसका कैसे विकास हो। लेकिन उनके इस मॉडल में ऐसा नहीं था कि हम अपना विकास करेंगे बाकी लोगों को हम जो है जैसे कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं था। बाकी लोग भी ठीक है, जैसे सब आए सक आए हूँ आए सब रहे, सब उन्होंने अपने अपनी मान्यताओं को बदला, समाहित हो गए। तो मालवीय जी का दृष्टिकोण दूसरा था, जैसा हम लोग आज के अभी वर्तमान परिस्थिति में जो हिंदू शब्द की व्याख्या करते हैं ऐसी व्याख्या नहीं थी। या हिंदू शब्द तो वही है, हम लोग बाकी लोग व्याख्या करते हैं जो हिंदुनिज्म या हिंदुत्व की बातों को नहीं समझते। और मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना के समय जो है उस समय यहाँ के वायस राय को कन्विंस किया, वो जाके उद्घाटन करते हैं। और मालवीय जी ने जो वहाँ पर मॉडल दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अगर यहाँ पे शायद ही कोई हो, अगर कोई विद्यार्थी वहाँ रहे हो तो एक बार उस कैंपस को घूमिए पूरा। वो कैंपस अपने आप में जिसको कहते हैं हम फिलासफी या भारतीय दर्शन, वो अपने आप पूरा एक बार दो चक्कर लगाइए दर्शन का। वहाँ के जो जितने संकाय बने हैं जो अलग अलग विषयों के, तो सबकी जो वास्तु रचना है मंदिरों जैसी है। कोई घूमा है BHU का है कोई विद्यार्थी? हाँ कई है, बहुत अच्छा है, तो सौभाग्य है। तो वहाँ का जो है जो वास्तु है वहाँ का जो कैंपस है, आपको पहले जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तभी लगता है कि हम किसी जो है बहुत बड़े मंदिर में आ गए हैं, ऐसी एक संरचना। वर्तमान में जो निर्माण हो रहे हैं उससे प्रभावित हो रहा है। मेरा तो सरकारों से आग्रह कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो अपने आप में ज्ञान देता है। फिर एक लाइन से पूरा हॉस्टल्स है, हॉस्टल से जब विद्यार्थी निकलते हैं तो मालवीय जी का आवास है वहाँ पे, हमेशा कोई न कोई ऐसी गोष्ठी। और मालवीय जी वहाँ प्रतिदिन जो है गीता का पाठ करते थे उसी भवन में, स्वतः करते थे, बाद में वो परंपरा अभी भी चल रही है। और वहाँ पे इतने और कौशल विकास के माने विविध, आप कई भाषाएं सीख सकते हैं, कई जो है ऐसे कोर्सेज हैं, ऑप्शनल कोर्सेज हैं। और मालवीय जी का जैसा था ना, ग्रामे ग्रामे मल्लशाला, ग्रामे ग्रामे पाठशाला, उनका था कि सभी लोग जो है स्वस्थ हों, हर विद्यार्थी स्वस्थ हो, और हर विद्यार्थी के अंदर एक आध्यात्मिक जो है विचार डेवलप हो। मैं जैसे कहीं कहीं उदाहरण देता हूँ कि IITs बनी हैं देश में, बहुत सुंदर हैं, पूरे दुनिया को जो है वो एक टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट दे रही हैं। किसी भी IITs में जो है इथिक्स की पढ़ाई नहीं होती थी, वहाँ इंजीनियर बनते थे, इंजीनियर कैसा बनेगा क्या बनेगा वो कभी, उनके इथिकल जो है इथिक्स का और उसमें आध्यात्म का कोई चिंतन ही नहीं था। और ये लगभग 100 वर्ष पूर्व मालवीय जी उस समय उन्होंने जो है वहाँ की जो इंजीनियरिंग शिक्षा है वो देश की सबसे प्राचीन शिक्षा है, और देश में इंजीनियरिंग डिग्री जो है सबसे पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शुरू किया था। उसके पहले इस देश में हम मात्र जो है डिप्लोमा देते थे इंजीनियरिंग का, फार्मेसी का जो सबसे पहले दो जो है भारत रत्न, तीन और कितने पुरस्कार एक विश्वविद्यालय को मिलता है। तो कहीं न कहीं उस मालवीय जी की सोच का ही एक आउटपुट है। JNU में मिला है किसी को भारत रत्न? नहीं मिला है, शायद ही किसी को मिला। हमको उस जो है मॉडल को समझना पड़ेगा, मालवीय जी को उस दर्शन को समझना पड़ेगा। और मालवीय जी उस समय जो है समाज के सहयोग से इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा करते हैं जितना आज कोई सोच नहीं सकता। अटल जी 2001 में आए थे, कहे जब भी कोई व्यक्ति जो है जो गैर सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए करना चाहेगा या कोई कुछ खड़ा करना चाहेगा तो उसको मालवीय जी से प्रेरणा मिलेगी। अभी 25 तारीख को हमारे मालवीय जी के जीवन पर जो है पुस्तकों का विमोचन हुआ,
और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उनके 11 खंड हैं उनके जीवन से, वो भी एक बड़ी रोचक घटना है। मालवीय जी जो है बड़े निडर थे, वो जो है दो तीन घटनाएं मैं इतिहास का बताऊंगा, उसमें से फिलासफी आप लोग ढूंढिएगा। एक घटना होती है चौरी चौरा कांड है, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। चौरी चौरा कांड हो जाता है, गांधी जी कहते हैं कोई देश में वकील इनकी प्रैक्टिस नहीं करेगा, इनको ये बहुत अहिंसा किया। 150 लोगों को अंग्रेज फांसी चढ़ा देते हैं, 150 लोगों को फांसी चढ़ाया जा रहा, 7 लोगों के जो जला के मारे गए थे थाने में चौरी चौरा, क्यों गोली चलाई थी तो पब्लिक ने मारा था, पूरी पब्लिक को फांसी पे लटकाना। उसमें अब उनका गांधी जी का अपना था कि ठीक है हिंसा किए हैं इनको चढ़ा दो जो करो, कोई वकील प्रैक्टिस नहीं किया। ये विषय मालवीय जी के पास आता है तो मालवीय जी से लोग कहते हैं मालवीय जी देखिए क्या है कैसे है आप नहीं बचे, कोई खड़ा होगा तो सब चढ़ जाएंगे। मालवीय जी जो है जब 50 वर्ष की अवस्था में बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर थे, लोग कहते थे कि उनकी जो है बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी थी, इतना अच्छा उनका लायर की प्रैक्टिस थी कि लोग लोहा मानते थे, तो मालवीय जी ने 50 वर्ष की अवस्था में उसको छोड़ दिया था कि अब मैं जीवन में वकालत की प्रैक्टिस नहीं करूँगा। वो मालवीय जी को लोग कहते हैं तो मालवीय जी बड़े दबे मन से अपना गाउन पहनते हैं, उस समय अंग्रेजों के समय अलग तरह का गाउन वो सब होता था, फिर जाते हैं हाई कोर्ट इलाहाबाद था प्रैक्टिस करने। उस समय के जजेज ज़्यादातर ब्रिटिश के लोग हुआ करते थे, भारतीय लोग बहुत कम थे। तो मालवीय जी बहस करते हैं और बहस करने के बाद जो है वो भी अपने आप में इतिहास है कि वो जो ब्रिटिश जज हैं वो खड़े हो जाते हैं, दो लोग थे वो खड़े होकर एक कहते आई हैव नेवर हर्ड दिस टाइप ऑफ आर्गूमेंट इन माई लाइफ, कहे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा जो है कभी बहस नहीं सुनी थी, इतना विद्वान व्यक्ति के समक्ष कभी हम लोगों ने वकील नहीं देखा था, और उनको स्टैंडिंग ओरेशन देते हैं जज। और बाद में उसमें से 5-6 लोगों को फांसी होती, सब छूट जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए गांधी जी विरोध किए तो मालवीय जी गांधी जी से परमिशन लेने थोड़ो गए कि वो सबसे बड़े लीडर हैं ये है वो ऐसा कुछ। मालवीय जी अपने बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ थे, जो उनको सच लगता था वो करते थे, वो किसी से अपने सच के लिए नॉन कम्प्रोमाइजिंग थे। हिंदू धर्म के जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए कभी उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन में गए गांधी जी लेके जाते थे, क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि अंग्रेजों से निगोशिएशन मैं नहीं कर सकता, मालवीय जी कर सकते हैं। तो जहाँ पर इस तरह का काम आता था तो गांधी जी और जो है गांधी जी जो है उनको बहुत रिगार्ड करते थे। उन्होंने कहा था कि मैं तो इनका पुजारी हूँ, क्योंकि उम्र में भी बड़े थे। और दूसरी एक घटना और है जो कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के जो सर्वमान जो गांधी जी थे उनसे कितने कन्फ्लिक्ट थे, 2-3 बार कन्फ्लिक्ट है मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी गांधी जी उनका सम्मान करते थे। उनका ये अपना जलियांवाला बाग कांड होता है, जलियांवाले बाग कांड में कोई कांग्रेस का लीडर नहीं जाता है, कोई हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि वहाँ विरोध होने लगा था कांग्रेस का कि जिनके घर के लोग मारे गए थे वो विरोध कर रहे थे कि आपके कारण हमारे जो है इतने बच्चे मारे गए सब। फिर भी मालवीय जी हिम्मत करके वहाँ गए, किसी घर ने उनको ठहरने के लिए जगह नहीं दी। एक चौकी पे जो है उन्होंने पेड़ के नीचे बनाया, सारा सर्वे किया, कितने मारे गए घायल हैं, सारा अध्ययन किया। और सारा अध्ययन करने के बाद वो उस समय जो ब्रिटिश की अपनी काउंसिल थी उसके मेंबर थे वो, उसका वहाँ जैसे यहाँ पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं तो उसका सेशन शिमला में था, तो वहाँ के बाद वहाँ जाते हैं, 5 घंटे का उनका भाषण है। वो 5 घंटे के भाषण में जो है लोग ऐसा कहते हैं, कुछ समय जो अखबारों में छपा था कि पूरी पार्लियामेंट रो रही थी। और जब वो लंदन में छपा है वहाँ के अखबारों में तो पूरा लंदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध हुआ। तो ये सारी बहुत सारी अंबेडकर जी जब नहीं माने जो है पूना पैक्ट में तो गांधी जी गए,
गांधी जी अनशन कर रहे थे, अंबेडकर जी मान नहीं रहे थे, जो है वो अलग कंस्टिट्यूएंसी की बात। तो उस समय ये शिमला में थे, कस्तूरबा जाती हैं, कहती हैं कि वो, क्योंकि वो गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने संकल्प लिया था, गांधी जी ने कहा था अगर आप जो है इसको करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं अन्न जल उसी दिन त्याग दूँ, कर दिया। गांधी जी जो कहते थे इस मामले में वो भी, मालवीय जी जाते हैं अम्बेडकर को मनाते हैं, क्योंकि हमारा देश एक धर्म के आधार पर बट चुका था, हिंदू समाज फिर जो है जाति के आधार पर बटने का अंग्रेजों का खड़यंत्र था, उसको जो है उन्होंने अम्बेडकर जी को समझाया। और अम्बेडकर जी की पुस्तक भी है, आप कई चीज़ें हैं जो है इस देश के लिए वो भी पढ़ सकते हैं। तो मालवीय जी जो है जैसा व्यक्तित्व, वैसा न शिक्षाविद, न वैसा कोई राजनीतिज्ञ, न वैसा कोई वकील, न वैसा पत्रकार। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हिंदुस्तान अखबार पढ़ते हैं आप लोग, इसके वो जनक हैं, उन्होंने ही प्रारंभ किया था। तो मालवीय जी ने जो भी कुछ किया उसके पीछे उनका सनातन का जो है एक दर्शन था, और उस सनातन के दर्शन के आधार पे जो उन्होंने शिक्षा का मॉडल उन्होंने देश को दिया, आज जो है हम लगभग 75 साल बाद भारत सरकार ने हिम्मत की है लौटने का, और जो नई शिक्षा नीति का आप लोग, वो नई शिक्षा नीति कुछ नहीं है, 80-90% जो है मालवीय जी की शिक्षा नीति है, जिसमें उद्योग धंधे सब चीज़ें जो है, अभी उद्योग के विषय में आप दीपक जी बता रहे थे, मालवीय जी सनातनी ब्राह्मण फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन जो देश का बना उसके सदस्य थे, और उन्होंने उस समय अंग्रेजों की जो पॉलिसी बना रहे थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उस पर उन्होंने डिसेंट नोट दिया, वो इतना अच्छा डिसेंट नोट है, बहुत लंबा हो जाएगा, उसको आप लोग पढ़िए। उस डिसेंट नोट में भारत के उद्योग धंधे और भारत की जो अपनी परंपराएं कैसे खराब होंगी आपके इस मशीनी युग के कारण, वो पढ़ा जा सकता है। तो उन्होंने जो है, क्योंकि इतने विद्वान व्यक्ति थे, अंग्रेज ने एक सनातनी ब्राह्मण को जो उसमें इंडस्ट्रियल कमीशन में भी रखा उन्होंने। तो मालवीय जी यही नहीं, मालवीय जी बहुत वो संस्कृत के बहुत रचनाएं किया, वो संगीत भी, और एक अद्भुत वो विधा के वो धनी थे, और उन्होंने जो है जब अंतिम समय में अपना शरीर छोड़ा है, तो छोड़ने के पहले जो है कांग्रेस के 4 बार के प्रेसिडेंट ने एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट एक आई ओपनिंग था, देश आज़ाद हो रहा था, और वो उस वक्तव्य को गोरखपुर की गीता प्रेस ने छापा था, वो सारी जो है प्रतियां जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब्त करा लिया, क्योंकि वो असहज हो गए जो मालवीय जी लिखे थे, उनके ही पार्टी का 4 बार का प्रेसिडेंट जो लिखा है उसको नहीं। और ये देश का हम दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि देश आज़ाद होता है, देश एक मॉडल चुनता है, जो यहाँ का जो दर्शन के से मैच नहीं खाता है, हमने जो भारत के विकास का जो मॉडल चुना, वो मॉडल जो हमारा जो दर्शन था उसके उससे मैचिंग नहीं थी, हम विरुद्ध तो नहीं कह सकते, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, चाहे साइंस के क्षेत्र में, जो भी डेवलपमेंट का हमने मॉडल चुना, और उस मॉडल पे चलने के कारण हमने बहुत कुछ खोया है। ये अभी प्रकृति की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हमने जो है पाश्चात्य मॉडल को अपना के अपने देश को बहुत पीछे ढकेला है, और वहाँ से शुरुआत अगर शिक्षा की बात की जाए, 75 साल बाद नई शिक्षा की नीति के रूप में हो रही है। मैंने एक विद्वान से पूछा, आप ये बताओ शिक्षा ये नीति कब तक पूरा लागू हो जाएगी, तो उन्होंने कहा 2040। तो जैसे एक संगीत टीचर के पास कोई गया संगीत सीखने, तो उसको कहा गया कि पहले जो सीखे हो वो भूल के आओ, तब सिखाऊंगा मैं। तो इस देश के साथ एक हो रहा है कि हमने, हमको जो अपनी सही दिशा में चलने के लिए 15 साल का समय चाहिए, लोगों को उसको आप्ट करने के लिए, उनके मन को बनने के लिए। तो हमने जो है, क्योंकि गांधी जी स्वदेशी और ग्राम स्वराज की बात करते थे, मालवीय जी सनातन की बात करते थे, सनातन साथ सब कुछ बात करते थे, उनके में सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें दोनों आज़ादी के समय चले गए,
एक ही वर्ष में लगभग दोनों ने देश छोड़ के चले, और उसके बाद जिन लोगों के हाथ में बागडोर आई उनके पास उनका एक दर्शन था जो पाश्चात्य दर्शन, और उस पाश्चात्य दर्शन ने भारतीय दर्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और हमको उस दर्शन को धीरे धीरे समाप्त करने में अभी 20-25 वर्ष लगेंगे, और जब वो होगा तो भारत जो है मालवीय जी के सपनों का भारत, गांधी जी के सपनों का भारत जो है, और वो भारत विकसित भारत तब बनेगा। मैं समझता हूँ आज के दिन और समय लेना उचित नहीं है, कई वक्ता हैं। धन्यवाद।